हेलो गाइस, तो फाइनली जुलाई 2022 का एडमिट कार्ड निकल गया है। आप लोग देख सकते हो, तो डाउनलोड एडमिट कार्ड शो कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी पिन देना है। ठीक है, देन सिंपल ऐसे डालने के बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन कर लोगे, साइन इन करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर आपको लिखा रहेगा वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड एंड 2022। इसमें लॉगआउट ऑप्शन है एंड नेम आप लोगों को शो करेगा, एप्लीकेशन नंबर शो करेगा। ठीक है, देन कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, इसमें आप आपका फोटो देख पाओगे, नेम देख पाओगे एंड लास्ट विजिट कब आप लोगों ने लॉग इन किया है। एंड इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन WBJEE का और ये हेल्पलाइन। ठीक है, अवेलेबल सर्विस जो अभी है वो है व्यू डाउनलोड एडमिट कार्ड। ओके, तो इसमें आपको सिंपल क्लिक करना है। देन आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें दिया रहेगा, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें बोला गया है कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स। आपको कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है, यानी प्रॉपर आपको मास्क लेना है, ठीक है, सैनिटाइजर लेना है, देन आपको एग्जाम हॉल में एंटर करना है। ठीक है, देन सेकंड लिखा है ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स गिवन अबव आर एज गिवन बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशन। द बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक बाय द कैंडिडेट। तो जो भी एडमिट कार्ड में आपका जो भी इन्फॉर्मेशन शो करेगा, वो एप्लीकेशन करते टाइम जो आपने भरा था वही है। अगर कोई गलती हो जाए तो इसके लिए WBJEE बोर्ड कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, थर्ड में लिखा है द कैंडिडेट मस्ट कैरी ए प्रिंटेड कॉपी दिस एडमिट कार्ड टू द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉन्ग विद अ वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल सच एज आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंड एंड वन कॉपी ऑफ कलर फोटोग्राफ अपलोड ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, सो ये जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे, इसका कलर कॉपी आपको लेना पड़ेगा। कलर कॉपी एडमिट कार्ड आपको ये प्रिंट आउट करना पड़ेगा। उसके बाद कलर ओरिजिनल आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर कार्ड आपको लेना पड़ेगा, कलर जेरोक्स। ठीक है, एंड उसके साथ साथ जो आपने एप्लीकेशन करते टाइम 2020 एप्लीकेशन करते टाइम जो आपने फोटो अपलोड किया है वही फोटो आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो तीन चीज आपको ले जाना पड़ेगा। फर्स्ट है आपका कलर कॉपी एडमिट कार्ड, कलर जेरोक्स आपका आधार कार्ड, ठीक है, और कलर फोटोग्राफ जो आप लोगों ने अपलोड किया था, ठीक है, वो एग्जाम हॉल में आपको ले जाना पड़ेगा। फोर्थ है नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर इन एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द शेड्यूल टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। सो एग्जामिनेशन अगर 11 AM से स्टार्ट होता है, देन 11 AM ही लास्ट टाइम है, उसके बाद आप एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है, देन फिफ्थ में लिखा है कैंडिडेट्स आर टू यूज ओनली द ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन प्रोवाइड बाय द बोर्ड। सो बोर्ड जब आप जिस एग्जाम हॉल में जाओगे एग्जाम देने के लिए, वही एग्जाम हॉल से आपका ब्लू या ब्लैक बॉल पेन दिया जाएगा। ठीक है, If any candidate is found doing otherwise, he is a candidate will be cancelled. Okay, so अगर कोई आप malpractice करते हो या कुछ और गलती करते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, आपको एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। सिक्स नंबर पे लिखा है यूज ऑफ रिस्ट वॉच, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, मोबाइल फोन्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट विथ नेटवर्क इंटरफेस इन ऑन ऑफ मोड आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, सो आपके पास अगर घड़ी है, कैलकुलेटर है, मोबाइल फोन से या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यो शायद ऑफ हो और ऑन हो, आपको एग्जाम हॉल में वो अलाउड नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट्स फाउंड विथ एनी सच आइटम्स विल बी रिपोर्टेड अगेंस्ट हिज कैंडिडेचर विल बी कैंसल। अगर ये आपके पास से मिला तो आपका कैंडिडेचर कैंसल हो जाएगा, एग्जाम हॉल से आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और सेवेंथ में लिखा है आपके जगह पे अगर कोई और जाके ये एग्जाम देता है तो आपको पुलिस के ऊपर हैंडल किया जाएगा, वो क्रिमिनल एक केस हो जाएगा, देन पुलिस को हैंड ओवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये मत करो। तो आपको तीन चीज ले जाना है, ये एडमिट कार्ड जो अभी डाउनलोड करोगे ये, ठीक है, सेकेंड आपका कोई वैलिड आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर कार्ड, और जो फोटोग्राफ अपलोड किया था वो फोटोग्राफ को ले जाना पड़ेगा। ठीक है, पेन फेन सभी आपको एग्जाम हॉल से दिया जाएगा। ठीक है, देन सिंपल इसमें डाउनलोड एडमिट कार्ड करोगे तो डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा पॉपअप देखने को मिलेगा। ठीक है, देन आप लोग देख पाओगे इसमें आपका पूरा एडमिट कार्ड शो कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल आपको ये डाउनलोड कर लेना है, आप लोग देख सकते हो। तो इसमें सिंपल आपको डाउनलोड करो, क्लिक करके सेव करो, देन इसको ऑन करो, देन आप लोग देख पाओगे आपका पूरा डाउनलोड हो गया है आपका एडमिट कार्ड। इसमें आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम लिखा रहेगा, आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा, जेंडर मेल है, डेट ऑफ बर्थ ये है, और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, फादर्स नेम लिखा रहेगा, मदर्स नेम लिखा रहेगा, आपका पूरा एड्रेस लिखा रहेगा और एग्जामिनेशन सेंटर एंड एड्रेस लिखा रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे पड़ा है उसका पूरा एड्रेस में लिखा रहे, श्रीरामपुर कॉलेज,
8 विलियम कैरी सरानी मानिकतला श्रीरामपुर पिन कोड 712201 लैंडमार्क है श्रीरामपुर कॉलेज ओके और जो सेंटर कोड है 2102 ओके एग्जामिनेशन टाइम है 14th मई ये चेंज नहीं हुआ है ये सेम है 14th मई ही है और एग्जाम टाइम है 11 AM to 1 PM टू आवर्स का होगा और रिपोर्टिंग टाइम है एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर द एग्जामिनेशन ओके सो अगर आपका 11 AM से एग्जाम होता है तो आपको जाना पड़ेगा 10:30 बजे ओके 10:30 बजे आपका रिपोर्ट करना ही होगा 10:30 बजे से पहले आपको एग्जाम हॉल में एंटर करना ही पड़ेगा ओके क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस होता है आपको ओ एम आर सीट देगा सब कुछ देगा उसके ऊपर मैं टोटली एक प्रोसेस में वीडियो बना दूंगा नो प्रॉब्लम कैसे आपको क्या करना है ठीक है और नीचे सेम वही इंस्ट्रक्शन दिया है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को सो ये जो एडमिट कार्ड है ये आपको एकदम ओरिजिनल जो आपका कलर जेरॉक्स है वही आपको करना पड़ेगा ठीक है देन एग्जाम हॉल में लेके जाना पड़ेगा ठीक है सो यही था इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय टेक केयर।